बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशियाँ हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर पैनिक करना है तो करोना वायरस के हवाले से करें। अगर पैनिक आपको करना है तो करोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है करोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप पैनिक इस हवाले से करेंगे तो आप एहतियात कर पाएंगे, आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो सामाजिक फासला बरकरार रखेंगे, मास्क पहनेंगे और इस तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को करोना वायरस की वबा से बचने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। आइए इस काम में अपनी हुकूमत का साथ दें, अपना साथ दें, ताकि हम मिलकर करोना वायरस की वबा से बच सकें। आइए सबक हासिल करें उन लोगों से जो कि करोना वायरस की वबा से मुब्तला हुए, उसके मरीज़ हैं, और अनफॉर्चुनेट अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। मैं आपको हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी सिचुएशन हुई, जो ज़रूरी अशिया है उसको दुकानों पर मेक श्योर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह हुकूमत सिंध वो ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाएगी।